तो गाइस लास्ट वीडियो पर मैंने आपसे ऐसा बोला था कि अगर रियल क्रिकेट का कोई और भी ज्यादा क्लिप्स या फिर गेम प्लेस वगैरह कुछ भी निकल के आता है तो उसके ऊपर भाई बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों ने भी भाई कमेंट सेक्शन पर बहुत ही ज्यादा गाली दिया मेरे को, क्योंकि यार इतने दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा था। कुछ ने तो भाई RIP लिख दिया भाई, अरे मरा नहीं हूँ भाई, जिंदा हूँ अभी तक। और हाँ रेगुलर अपलोड करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो खैर आज सुबह सुबह भाई हरीश भाई ने इसका ट्रेलर अपलोड करा है अपने थंडर गेमिंग वाले चैनल के अंदर। तो ट्रेलर कह सकते हो या फिर एक्सटेंडेड टीजर भी कह सकते हो, पता नहीं क्या है, पर जो भी है यार इसके अंदर इंडियन टीम्स हो गया, बहुत सारे एनिमेशंस हो गया, स्टेडियम्स हो गया और बहुत सारे फील्डिंग हो गया, बहुत सारे बॉलिंग्स हो गया। तो सभी चीजें बहुत चीजें दिखाई गई है भाई, तो सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो अभी से यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना अभी से। तो चलो यार दोस्तों बिना किसी वक्त आए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यार ये ट्रेलर स्टार्ट होता है स्टेडियम शोकेस से। तो अहमदाबाद का मोदी वाला स्टेडियम है बेसिकली। तो ओवरऑल स्टेडियम तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, पर यार गाइस इसके बीच में ये जो स्ट्रीप लाइट लगाया गया है ना, तो भाई साहब यार क्या ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। और बाकी ओवरऑल स्टेडियम भी कलरफुल है और बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद ऑडियंस की भी मैं बात करूं तो ऑडियंस भी इस बार बहुत ही ज्यादा हिलडुल रहे, तो बहुत ही ज्यादा ना एक एंगेजिंग माहौल बना रहे, तो ये काफी अच्छा चीज होता है। बहुत छोटा चीज है पर अच्छा चीज होता है। जब भी आप क्रिकेट गेम खेलते हो ना, तो अगर ऑडियंस हिलडुलते ज्यादा है ना तो मजा आता है देखने में, ठीक है। बाकी उसके बाद ना यार इंडियन टीम्स का जर्सी जो है वो फाइनली शोकेस कर दिया जाता है। और भाई साहब इतना बढ़िया जर्सी मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट यार मैं होप ये करता हूँ बस कि यार ये पेड ना हो जाए भाई। RC22 वालों का ना भाई यही प्रॉब्लम है, चीजें बढ़िया बढ़िया बना देते हैं पर यार रिलीज करते वक्त ना भाई कुछ चीजें यार पेड रख लेते हैं। बट ठीक है यार उनको भी पैसा कमाना है, उसके ऊपर भी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, बट होप मैं ही करूंगा कि फ्री हो बस, ठीक है, जर्सी फ्री हो एटलीस्ट। कैरियर मोड, वर्ल्ड कप, IPL वो सब कर देना पेड, वो सब तो वैसे भी रहेगा। चलो खैर उसके बाद अगर हम फेस पैक की बात करें तो फेस पैक यहाँ से तो ज्यादा दिख नहीं रहा है, पर एक जगह पर दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में रुको। और फेस पैक की बात कर ही रहे तो ऑस्ट्रेलिया का फेस पैक जरूर दिखा गया है, बांग्लादेश का फेस पैक जरूर दिखा गया है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। पर यहाँ से भी मेरे को मतलब कि कुछ पता नहीं लग रहा कि ये कौन कौन है, ये वार्नर है, ये स्मिथ है, ऐसा नहीं लग रहा है पता। पर हाँ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि फेस पैक जो है वह बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है, मतलब कि RC22 से अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो फिनिशिंग है वो ज्यादा रियलिस्टिक है और डिटेल्ड स्ट्रक्चर के साथ फिनिश करा गया है, जो देखने में अच्छा लग रहा है। पर चिंता मत करो कंपैरिजन भी करेंगे हम लोग। और बाकी हाँ उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बाद कुछ बैटिंग शॉट्स हमें देखने को मिल जाते हैं और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। और यार एक सेकंड रुको, मेरे को कोई ये बताओ यार ये सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर भाई तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि इसका जो ग्राफिक्स है वो प्रो क्रिकेट मोबाइल से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है, उसके तरह सिमिलर है, मतलब कि आपको भी लग रहा है कैसा, या फिर यार ये स्क्रीन से रिकॉर्ड हुआ है तो इसलिए लग रहा है, मेरे को नहीं पता, मेरे को थोड़ा थोड़ा बस सिमिलर लगा तो बता दिया मैंने। अब गाइस यार उसके ट्रेलर के बाद इंडियन प्लेयर्स के कुछ बेहतरीन शॉट्स भी हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा OP है भाई। डिफरेंट स्ट्रेंज तरीके के शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि बढ़िया लगता है। और पीछे हमें अबू धाबी का स्टेडियम भी देखने को मिल रहा है जो बेसिकली रियल क्रिकेट 22 वाला मॉडल सेम ही लग रहा है, और कोई नया नहीं भाई, स्टेडियम सेम ही है तो मॉडल भी सेम ही यूज होगा ना, नहीं नया भी हो सकता था बट चलो कोई बात नहीं। अब आगे दोस्तों ये जो सिनेमैटिक शॉट हमें दिखाया गया है पीछे वाले डायरेक्शन से, तो ये यार रिप्लाई से हो सकता है, मतलब कि पहले भी रिप्लाई पर इसी कैमरा एंगल का इस्तेमाल किया जाता था, पर इस बार ही ग्राफिक्स अच्छा है और भी ज्यादा अच्छा है तो थोड़ा और अच्छा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो वही लग रहा है। और इसके बाद भी वही हमें सेम ही चीजें बार बार दिखाई जाते हैं, एक बढ़िया सा कीपिंग हमें दिखाया जाता है, कीपिंग आउट दिखाया जाता है, उसके बाद दोबारा से कई सारे बैटिंग शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं और फाइनली उसके बाद यह ट्रेलर खत्म हो जाता है। मैं बोल रहा था ना कि एक बार ही एक जगह पर हमें फेस पैक देखने को मिलता है इंडियन प्लेयर का, तो शायद आपने नोटिस नहीं करा होगा लेकिन इस फ्रेम के अंदर जो प्लेयर हमें देखने को मिल रहा है ना वो कहीं ना कहीं भाई किंग कोहली जैसा लग रहा है, तो भाई विराट कोहली ये प्लेयर हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये प्लेयर विराट कोहली है या फिर नहीं है। तो भाई मेरे को ऐसा अंदर से ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि इस बार ही ना रियल क्रिकेट 20 के तरह मोस्ट सिमिलर फेस पैक्स इसके अंदर यूज किया जा सकता है, मतलब कि वो ऑफिशियली लाइसेंस्ड तो नहीं होगा पर बिल्कुल वैसा ही लगेगा, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है मुझे लग रहा है इतना। अब एंड में दोस्तों इसको मैं रेट करूं तो मैं अभी के टाइम पर इसको रेट करूंगा आराम से भाई 9.8 out of 10, क्योंकि यहां से ट्रेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेम बहुत ही ज्यादा OP लग रहा है, बट अभी हम लोग फीचर्स को काउंट नहीं कर रहे तो इसलिए रेटिंग ड्रॉप भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। अगर मान के चलो कि कैरियर मोड, PvP मोड वो सब आ जाता है तब तो भाई गेम को आसानी से भाई 9.8 ही मिलेगा, 10 मिलेगा,
और अगर ऐसा नहीं होता है, कैरियर मोड अभी तक नहीं आता है, तो भाई यार रेटिंग ड्रॉप भी हो सकता है। आप क्या सोचते हो यार, कमेंट करके जल्दी से बताओ। और यार मैं जल्दी से रियल क्रिकेट 22 वर्सेस 24 भी बनाऊंगा, तो उसके लिए भी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाई अगले वाले बढ़िया वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।